हेलो ऑल, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके में तीन इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स की हिस्ट्री कवर करेंगे। पहली डिस्ट्रिक्ट आपकी है कुल्लू, दूसरी है सिरमौर और तीसरी है सोलन। अगर एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से देखा जाए तो इन तीन डिस्ट्रिक्ट से रीसेंट पास्ट में काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। पॉजिटिव चीज़ ये है कि इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल रिसर्च नहीं हुई है, यही कारण है हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी जिस तरह से हिमाचल प्रदेश जीके का नेचर है, जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों को हिस्ट्री से देखने को मिले हैं, तो वहाँ पे हमें हिस्ट्री जिस भी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की हम लोग कवर कर सकते हैं, हमें उसकी हिस्ट्री को कवर करना है। तो इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स की हिस्ट्री में सबसे पहले कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं। कुल्लू की अगर बात की जाए तो कुल्लू को हम लोग वैली ऑफ गॉड्स के नाम से जानते हैं। आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा। वैली ऑफ गॉड्स क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कहानी है। ये कहानी है देवता जामलू की। देवता जामलू, जो लोग कुल्लू से होंगे वो इनसे ज़रूर फैमिलियर होंगे। जो देवता जामलू हैं, इनको ऋषि ऑफ मलाना कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक दिन देवता जामलू अपने साथ एक बास्केट कैरी कर रहे थे और उस बास्केट के अंदर बहुत सारे गॉड्स थे। तभी हवा का एक झोंका आता है और वो सारे के सारे गॉड्स जो हैं कुल्लू वैली में एक दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यही कारण है तब से हम लोग कुल्लू को वैली ऑफ गॉड्स के नाम से जानते हैं, कि सारे के सारे जो गॉड हैं जो देवता जामलू की बास्केट के अंदर थे, वो अभी हमें सारे के सारे कुल्लू वैली के अंदर ही विराजमान होते हुए दिखते हैं। क्लियर? तो यही कारण है कुल्लू को वैली ऑफ गॉड्स कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि जब हम लोगों ने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने देखा था कि अलग अलग जनपदाज हिमालयन एरियाज में हमें देखने को मिले। तो सबसे पुराना जो हिमालयन जनपदा था या स्टेट थी, उसका नाम था त्रिगारता। उसके बाद सेकंड जो सबसे एंशियंट स्टेट हमें देखने को मिली, दैट इज योर कुल्लू। कुल्लू को पहले इस शब्द से नहीं पुकारा जाता था। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि आपके जो आपके फर्स्ट चेयरमैन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनकी राइटिंग्स में कुल्लू को कुलुत या कुलुता के नाम से मेंशन किया गया है। इसके अलावा कुलुता शब्द या कुल्लू शब्द हम लोगों को विष्णु पुराण, रामायणा, महाभारत, मार्कंडे पुराण, बृहत संहिता, राजा तरंगनी, जो राजा तरंगनी है ये आपके कल्हाना के द्वारा लिखी गई है, उसके अलावा कदंबरी जो कि बना भट्टा के द्वारा लिखी गई, और साथ में विष्णु विशाख दत्त के द्वारा लिखा हुआ मुद्रक राक्षसश में जो कुलुता शब्द है इसको मेंशन किया गया है। अगर मैं विशाख दत्त के मुद्रक राक्षस की बात करूंगा तो आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता होगा। चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्यन किंगडम के एस्टेब्लिश करते हैं या मौर्यन किंगडम को एस्टेब्लिश करते हैं, उस स्पेसिफिक टाइम पे वो नंदा डायनेस्टी के लास्ट राजा धनानंद को हराते हैं। लेकिन धनानंद जो है उसको धोखे से मरवाया जाता है, क्योंकि जिस जगह के ऊपर धनानंद रह रहा था, दैट वॉज योर पाटलिपुत्रा, तो पाटलिपुत्रा चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी या नदियों से घिरी हुई थी, और पाटलिपुत्र के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने एडवाइज़र चाणक्य के साथ मिलके धनानंद के एक एडवाइज़र ऑफिशियल को ब्राइव करके धोखे से धनानंद को रात में उसके किले में मरवा देते हैं, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो विशाख दत्त जब इस किताब को लिखते हैं, वो इस किताब को ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड लिखते हैं, तब वो जो ऑफिशियल जिसने धोखा दिया था धनानंद को, उसको मुद्रक राक्षस के नाम से पुकारा जाता है। तो इस स्पेसिफिक बुक में मेंशन किया गया है, क्योंकि एक मलाय केटू है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से बदला लेने के लिए पांच ट्राइब्स को रेज करता है, और उन पांच ट्राइब्स में से एक ट्राइब जो थी वो तुम्हारी कुलुता ट्राइब थी। तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी हुई मुद्रक राक्षसम में भी आप लोगों को कुलुता शब्द देखने को मिलता है। इसके अलावा जब ब्रिटिश का रूल यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, तो कुल्लू जो है या कुल्लूता जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया, और ब्रिटिश ने यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसको अपॉइंट किया, जिनका नाम था कर्नल हारकोर्ट। कर्नल हारकोर्ट जो थे, इन्होंने वंशावली तैयार की कुल्लू और लाहौल स्पीति की इन 1871। वंशावली का मतलब क्या रहता है? वंशावली एक वो डॉक्यूमेंट है जहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया के जितने भी राजा हैं उन सब की डिटेल होती है, कि पहले कौन आया, दूसरे नंबर पे कौन आया, तीसरे पे कौन आया, चौथे पे कौन आया। तो इनके द्वारा जो वंशावली क्रिएट की गई थी, उससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कुल्लू के बारे में देखने को मिलती है। इसके साथ जो तिब्बतियन है वो कुल्लू को कहा करते थे न्यूनती के नाम से। तो आपको इस तरह के शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो मंडी था उसको तिब्बतियन के द्वारा जौहर कहा जाता था, उसी तरह से जो कुल्लू है उसको तिब्बतियन के द्वारा क्या कहा जाता है? न्यूनती कहा जाता है। इस तरह की नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके साथ जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने मेंशन किया है कि जो निरमंड निरमंड जो है
वो आपको देखने को मिलता है। कुल्लू के अंदर एक जगह है निरमंड। निरमंड में कॉपर की प्लेट्स मिली हैं जो कि 7th सेंचुरी AD की हैं। उसके साथ साथ कॉपर की प्लेट हमें चंबा में भी देखने को मिली हैं जो 11th सेंचुरी AD की हैं। इन सब प्लेट्स में मेंशन किया गया है कुल्लू के बारे में। जो चंबा में प्लेट मिली उसमें मेंशन ये किया गया है कि कुल्लू नामक जगह जो है वो चंबा के अधीन है, और निरमंड में जो कॉपर प्लेट मिली है वहाँ पे महाराजा समुद्र सेन की बात की गई है। जो ये प्लेट्स हैं इनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस दो भाषाओं के अंदर हैं, एक आपकी है या स्क्रिप्ट के अंदर है, एक आपकी है ब्राह्मी, दूसरी आपकी है खारोस्ती। ब्राह्मी इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्क्रिप्ट थी जो हिंदुस्तान के अंदर ही डेवलप हुई थी। खारोस्ती इंडिया में हमारे यहाँ पे तब आई जब सेंट्रल एशियन इन्वेजन हुए और उन्होंने खारोस्ती स्क्रिप्ट को डेवलप किया। तो क्योंकि 6th और 7th सेंचुरी में खारोस्ती और ब्राह्मी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, यही कारण था कि जो कॉपर प्लेट्स हमें निरमंड में मिली या चंबा में मिली उनके ऊपर जो भाषाएं यूज थी दैट वॉज योर ब्राह्मी एंड खारोस्ती। क्लियर। इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कि कुल्लू जो है इसके फाउंडर कौन है, तो कुल्लू के फाउंडर का नाम है बिहंग मणिपाल और उन्होंने कैपिटल एस्टेब्लिश की थी जगसूक में। कुल्लू की जब हम डेनेस्टीज को देखते हैं, राजाओं को देखते हैं, तो हमें इनिशियल स्टेजेस पे देखने को मिलता है कि कुल्लू में पाल रूलर्स थे। बाद में हमें देखने को मिलता है कि कुल्लू के राजाओं का जो सुफिक्स है, जो सरनेम है, वो चेंज होके सिंह हो जाता है। कई जगह ऐसा माना जाता है कि जो आपके बिहंग मणिपाल थे इसी के ही जो परिवार था वो आगे चलता चलता एक स्पेसिफिक टाइम तक उन्होंने पाल शब्द यूज़ किया, बाद में उन्होंने पाल को रिप्लेस कर लिया सिंह। कई जगह कहा जाता है पाल अलग थे सिंह अलग थे। हमारी जो कहानी है उसके अकॉर्डिंगली पाल ही बाद में अपना सरनेम सिंह लगाना शुरू कर देंगे। पर फिर भी हम कुल्लू की हिस्ट्री को दो तरीके से पढ़ेंगे, पहले वो कुल्लू की हिस्ट्री जो कि पाल्स के द्वारा रूल की गई थी, और दूसरी वो कुल्लू की हिस्ट्री जो कि सिंह जो सुफिक्स वाले राजा हैं उनके द्वारा रूल की गई। तो चलिए सबसे पहले कुल्लू की हिस्ट्री पढ़ते हैं पाल डायनेस्टी के द्वारा। हम लोगों ने देखा कि कुल्लू के जो फाउंडर थे उनका नाम था बिहंग मणिपाल, जिन्होंने जगतसुख में अपनी कैपिटल को एस्टेब्लिश किया था। बिहंग मणिपाल जो है उसके बाद जो इम्पोर्टेंट राजा रहे उनका नाम था राजेंद्रपाल। राजेंद्रपाल एक स्पेसिफिक जगह को कंट्रोल करना चाहते थे जिस जगह का नाम था कोठी बरसाई। उस जगह की प्रोटेक्शन कर रही थी रूप सुंदरी ऑफ गजन। जब राजेंद्रपाल कोठी बरसाई के ऊपर अटैक करते हैं तो रूप सुंदरी के साथ उनका जो है वो वॉर शुरू हो जाता है। जो लड़ाई जब इन दोनों के बीच में होती है उस स्पेसिफिक टाइम पे राजेंद्रपाल के 11 बच्चे 11 सन जो हैं वो इस स्पेसिफिक बैटल में मर जाते हैं। राजेंद्रपाल को यहाँ पे एक चीज़ रियलाइज होती है कि अगर वो कॉन्टिन्यूसली वॉर में इन्वॉल्व रहेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो उसके सारे के सारे जो संतान हैं वो वॉर में ख़त्म हो जाए। तो राजेंद्रपाल चीज़ को शांत करने के लिए रूप सुंदरी के लिए अपने बेटे का हाथ मांगता है। तो रूप सुंदरी जो है वो उसके बेटे के साथ शादी करने के लिए हाँ कर देती है, और जैसे ही रूप सुंदरी की विशद पाल जो है वो राजेंद्र पाल का बेटा है, इसके साथ जैसे ही रूप सुंदरी की शादी होती है वैसे ही कोठी बरसाई वाला एरिया जो है वो कुल्लू एम्पायर के अंदर मर्ज हो जाता है। रूप सुंदरी और विशद पाल का बेटा जिसका नाम था विशुद्ध पाल क्या करता है, जो जगत सुख इनकी कैपिटल हुआ करती थी वहां से कैपिटल शिफ्ट कर देता है नगर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए विशुद्ध पाल के बारे में, जिसने कैपिटल जो थी वो जगत सुख से शिफ्ट कर दी थी कुल्लू की नगर। इसके बाद एक एक अगला इंपॉर्टेंट राजा आया जिसका नाम था सिद्धेश्वर पाल। सिद्धेश्वर पाल की अगर हम बात करें उस स्पेसिफिक टाइम पे ये क्लियर नहीं है कि चंबा के ऊपर कौन रूल कर रहा था, लेकिन हाँ काफी जगहों के ऊपर काफी इंस्क्रिप्शंस में ये मेंशन किया गया है कि जब सिद्धेश्वर पाल राजा था उस स्पेसिफिक टाइम पे चंबा के राजा ने कुल्लू के ऊपर अटैक किया, और जब उसने कुल्लू के ऊपर अटैक किया तो उस स्पेसिफिक टाइम पे सिद्धेश्वर पाल, उसका बेटा और उसका ग्रैंडसन तीनों के तीनों जो हैं वो मारे गए। तो इस तरह से जो कुल्लू है उसकी काफ़ी टेरिटरी चंबा ने अपने कब्जे में ले ली थी। यहाँ से कुल्लू और चंबा की एनिमोसिटी एनिमिटी की शुरुआत होती है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट राजा आता है दैट इज़ योर रुद्रपाल। जब रुद्रपाल राजा होता है उसी स्पेसिफिक टाइम पे स्पीति के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल राजा रूल कर रहा था, बहुत एम्बिशियस राजा था जिसका नाम था राजेंद्र सेन। राजेंद्र सेन चंबा की हेल्प से कुल्लू के ऊपर अटैक करता है और कुल्लू को अपनी ट्रिब्यूटरी बना लेता है। ट्रिब्यूटरी का मतलब है कि अब कुल्लू जो है वो स्पीति के अधीन आ गया। अब कुल्लू का राजा दैट इज योर रुद्रपाल स्पीति के राजा को कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा ट्रिब्यूट के रूप में हमेशा पे करता था। लेकिन जब रुद्रपाल का ग्रैंडसन राजा बनेगा दैट वॉज योर प्रसिद्ध पाल देखेगा राजेंद्र सेन की मृत्यु हो चुकी है, राजेंद्र सेन के बाद जो राजे बने हैं वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं, और प्रसिद्ध पाल बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, वो स्पीति को ट्रिब्यूट पे करना बंद कर देता है। उस टाइम पे राजेंद्र सेन के बाद स्पीति के ऊपर रूल कर रहा था छेद सेन।
छेद सेन जब कुल्लू के द्वारा ट्रिब्यूट पे करना बंद कर दिया जाता है, तब जो छेद सेन है वो प्रसिद्ध पाल के ऊपर अटैक करता है। दोनों के बीच में रोहतांग में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है, जहाँ पे छेद सेन को प्रसिद्ध पाल के द्वारा हरा दिया जाता है। प्रसिद्ध पाल के द्वारा छेद सेन को हराने का मतलब क्या है? जो स्पीति, जो पहले अपना कंट्रोल कुल्लू के ऊपर जो थी, वो कहा करती थी कि कुल्लू उसके उसका उसका पार्ट है, अब स्पीति का कंट्रोल कुल्लू के ऊपर से बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरा, स्पीति को नुकसान क्या हुआ कि स्पीति कुल्लू के हारने के बाद और ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, उसका फ़ायदा उठाया तिब्बतियंस ने और तिब्बतियंस ने स्पीति वाले एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। और इस तरह से जो बुद्धिज़्म है थ्रू तिब्बतियंस वो स्पीति वाले एरिया में आया। इसके साथ साथ जो लाहौल वाला एरिया जो चंबा के अंडर हुआ करता था, उसको भी प्रसिद्ध पाल ने चंबा से अलग करवा दिया। क्लियर? तो यहाँ पे एक कहानी देखिए आप कि किस तरह से दोनों चंबा और कुल्लू के रिलेशन बहुत अच्छे हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद अगला राजा बना, दैट इज योर दातेश्वर पाल, जो 682-700 AD के आसपास जो था वो कुल्लू का राजा बना था। दातेश्वर पाल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। जब दातेश्वर पाल कुल्लू का राजा था, उस स्पेसिफिक टाइम पे चंबा का राजा हुआ करता था मेरुवर्मण। मेरुवर्मण और दातेश्वर पाल के बीच में बैटल होती है, लड़ाई होती है, जहाँ पे मेरुवर्मण के द्वारा दातेश्वर पाल को हरा दिया जाता है, दातेश्वर पाल की डेथ हो जाती है और कुल्लू जो है वो चंबा के कंट्रोल आ जाता है, चंबा के अधीन आ जाता है। तो प्रसिद्ध पाल, जिसने कुल्लू को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, अब मेरुवर्मण के टाइम पे कुल्लू जो है वो चंबा के अधीन आ गया। आप लोग देखना, कुल्लू जो है वो बड़ी मल्टीपल जो रियासतें हैं उनके अधीन रहेगा। कुल्लू कुल्लू जो है वो बहुत कम इसने दूसरे एरियाज के ऊपर कब्जा किया है, मैक्सिमम इसके ऊपर बाहर वाली जो रियासतें हैं उन्होंने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया है। दातेश्वर पाल के बाद अगला राजा है, दैट इज योर जरेश्वर पाल। जब जरेश्वर पाल राजा बनता है, उस स्पेसिफिक टाइम पे जो चंबा वाला एरिया है वहाँ पे एक महामारी फैल जाती है, जिसके कारण चंबा के राजा को अपनी टेरिटरी छोड़ के जाना पड़ता है। जब चंबा का राजा अपनी टेरिटरी छोड़ के जाता है, तो उस टेरिटरी के ऊपर, चंबा वाले रीजन के ऊपर, जो तिब्बतियन थे जिनको किर कहा गया है, वही तिब्बतियन जो बैजनाथ तक पहुंचेंगे और बैजनाथ का नाम किरग्रामा पड़ जाएगा, तो वो किर जो हैं वो चंबा की टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। उसी स्पेसिफिक टाइम पे जारेश्वर पाल जो है वो इस चीज़ का फायदा उठा के विद दी हेल्प ऑफ राजा ऑफ बुशहर, जो चंबा की टेरिटरी है, पहले तो खुद को आज़ाद करवाता है चंबा से और उसके साथ साथ चंबा की कुछ टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो इस तरह से दातेश्वर पाल के टाइम पे जब चंबा के अधीन तुम्हारा कुल्लू हो गया था, जारेश्वर पाल ने कुल्लू को फिर से इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया। अब अगला राजा है नारद पाल। जब नारद पाल राजा बनेगा कुल्लू का, उस स्पेसिफिक टाइम पे जो चंबा का राजा था उसका नाम था साहिल वर्मन। आप सब लोगों ने साहिल वर्मन के बारे में सुना होगा। साहिल वर्मन वही है जिसने अपनी बेटी चंपावती के नाम पे चंबा टाउन की एस्टेब्लिशमेंट की थी। क्लियर? तो नारद पाल जब राजा बनता है, तो स्पेसिफिक टाइम पे साहिल वर्मन चंबा का राजा होता है। साहिल वर्मन और नारद पाल के बीच के जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे नहीं है। वो कॉन्टिन्यूसली अप्रॉक्सीमेटली 12 साल तक एक दूसरे के साथ बैटल में इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पे साहिल वर्मन एक चीज़ रियलाइज करता है कि क्यों ना बैटल को बंद कर दिया जाए। वो कुल्लू के राजा नारद पाल के सामने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। नारद पाल ऊपर ऊपर से उस दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेता है और जो चंबा की सेना जो आपकी रोहतांग तक पहुंच चुकी थी, रोहतांग में उन्होंने अपना किला बना दिया था, वो चंबा की सेना को अपने घर पे भोज के लिए बुलाता है। जब नारद पाल के द्वारा उनको भोज के लिए बुलाया जाता है, तो एक चंबा की सेना ने एक ब्रिज, नदी के ऊपर एक आपका पुल था, उसको क्रॉस करके आना था। नारद पाल क्या करता है, उस पुल को तोड़ के उसके ऊपर घास फूस जो है वो रख देता है। तो जैसे ही सैनिक जो है वो चंबा के वहाँ पे पहुँचते हैं, तो मैक्सिमम सैनिक उस पुल के ऊपर जैसे ही पहुँचे और उसके बाद घास फूस जो है वो शुरू होगी, मैक्सिमम सैनिक जो है वो नदी के अंदर गिर जाते हैं और बहुत सारे सैनिकों की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से नारद पाल ने जो एनिमोसिटी थी इन बिटवीन चंबा एंड कुल्लू, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। अगले राजा आए कुल्लू के, जिसका नाम है भूपाल। भूपाल की अगर बात की जाए, तो भूपाल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि किस तरह से जो सुकेत का राजा था उसने कुल्लू को हरा के अपनी ट्रिब्यूटरी बना लिया। तो कुल्लू जो है वो किसी न किसी की ट्रिब्यूटरी हमेशा ही रहेगी, बस आपने देखना है किस राजा के टाइम पे वो किसकी ट्रिब्यूटरी रही। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपके राजा बने, दैट इज योर हस्तपाल। हस्तपाल की कहानी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस की थी कि किस तरह से जब सुकेत का राजा विक्रम सेन होता है और विक्रम सेन तीर्थ यात्रा के ऊपर जाते हुए अपने भाई को अपनी गद्दी दे देता है कि जब तक वो वापस नहीं आएगा
तब तक जो सुकेत है उसको संभालने की जिम्मेवारी उसके भाई की है। लेकिन उसके भाई के मन में खोट उत्पन्न होता है और वो एम्बिशियस होके चाहता है कि सुकेत का जो एम्पायर है उसको वो हैंडल करे। वो अपने भाई के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट कर देता है। जब विक्रम सेन का भाई जो है उसके खिलाफ रिवोल्ट करता है, तब हस्तपाल जो है वो कुल्लू का राजा है और कुल्लू सुकेत के अंडर है। पर हस्तपाल को ऐसा लगता है कि अगर विक्रम सेन हार जाएगा या उसका भाई राजा बन जाएगा तो शायद उसको इंडिपेंडेंस मिल सकती है। लेकिन विक्रम सेन वापस आके अपने भाई को भी मार देता है और हस्तपाल को भी मार देता है। इसका जो खामियाजा है वो उठाना पड़ता है जो हस्तपाल के वंशज थे, क्योंकि अब जो विक्रम सेन है वो उनकी जो टेरिटरी है उसको और छोटा कर देता है। और जो हस्तपाल का आगे बेटा होगा, जो हस्तपाल का आगे बेटा था जिसका नाम था, जो हस्तपाल का बेटा था चाहे गोपाल दास था, ठीक है, लक्ष्मी दास था, उनको जो है, या धनी राम बेसिकली डायरेक्टली बेटा था, उसके बाद तुम्हारा गोपाल दास था, उसके बाद लक्ष्मी दास था, तो जो आगे संतानें रहेंगी हस्तपाल के बाद जो भी वंशज आएंगे उन सबको वो राणा का टाइटल भी नहीं देता है। पहले तो राजा कहा जाता था इनको, उनको वो राणा का टाइटल भी नहीं देता है, उनको वो जमींदार का टाइटल देता है। जमींदार का टाइटल सबसे छोटा है, सबसे बड़ा टाइटल होता है महाराजा, फिर है राजा, फिर है राणा, फिर है आपका जमींदार। तो इनको जमींदार के टाइटल तक रिड्यूस कर दिया जाता है, इनके साइज इतना छोटा कर देते हैं। क्लियर। बाद में जब हाशिरपाल है, हाशिरपाल अपने आप को सुकेत से अलग कर देता है, क्योंकि जो लक्ष्मण सेन है वो बहुत ही छोटी एज का होता है सुकेत का, जिसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। लेकिन हस्तपाल जो है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तरह से अभिशाप साबित होता है। बाद में देखा जाए उचित पाल के बारे में, उचित पाल जो था उस स्पेसिफिक टाइम पे जब उचित पाल राजा बनेगा तो कुल्लू जो है वो लद्दाख की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, और लद्दाख का राजा ला चेन उत्पला जो है वो कुल्लू के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेता है। पहले लद्दाख कुल्लू के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है, बाद में तिब्बत लद्दाख को हरा के कुल्लू के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेता है। तो जब सिकंदर पाल राजा बनता है तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जो कुल्लू है उसके ऊपर तिब्बतियन का कंट्रोल होता है। सिकंदर पाल जो राजा ऑफ दिल्ली, उस स्पेसिफिक टाइम पे दिल्ली सल्तनत का रूल था, एग्जैक्ट राजा नहीं पता कि वो कौन है। उस स्पेसिफिक टाइम पे जब दिल्ली सल्तनत जो थी वो दिल्ली के ऊपर, दिल्ली सल्तनत रूल कर रही थी दिल्ली में, तब सिकंदर पाल जो है वो दिल्ली के राजा से हेल्प मांगता है कि उसका जो साम्राज्य है उसको इंडिपेंडेंट किया जाए। दिल्ली का राजा उसकी हेल्प करता है, तिब्बतियन को वो हराते हैं और तिब्बतियन को वापिस छोड़ के जाना पड़ता है हिमालयन स्टेट्स को, हिमालयन एरियाज को। क्लियर। और इस तरह से जो है वो दिल्ली का राजा सिकंदर पाल को मेन राजा घोषित कर देता है हिमालयन एरियाज का, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आसपास के एरिया से ट्रिब्यूट कलेक्ट करके, पैसा कलेक्ट करके दिल्ली के राजे तक पहुंचाना। तो सिकंदर पाल ने अपनी टेरिटरी को इंडिपेंडेंट बना लिया। इसके बाद जो राजा बना दैट वॉज योर हस्तपाल। हस्तपाल टू वो राजा था जिस टाइम पे कुल्लू को बुशहर ने हरा दिया। क्लियर। और जो कुल्लू की काफी टेरिटरी थी जिसको जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद बना आपका गंभीर पाल। गंभीर पाल जो है जो बुशहर के द्वारा लिए हुए एरियाज थे उनमें से कुछ एरियाज को वापस ले लेता है और डिसाइड करता है कि जो सतलुज है वो बुशहर और जो कुल्लू है उसके बीच की बाउंड्री है। तो आपको पता होना चाहिए कि बुशहर और कुल्लू के बीच की बाउंड्री कौन सी है, वो आपकी है नदी सतलुज। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट राजा बनता है नंदपाल। जब नंदपाल राजा बनता है तब जो कांगड़ा है, कांगड़ा स्टेट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। नंदपाल के राजा बनते ही जो कुल्लू है अब वो कांगड़ा के अधीन चला जाता है। उसके बाद वो कांगड़ा के अंडर तब तक रहता है जब तक आपका धरतीपाल राजा होता है। उसके बाद जब इंद्रपाल राजा बनता है वो कुल्लू को फिर से इंडिपेंडेंट करवा लेता है। क्लियर। लास्ट उसके बाद जो पाल जिसके साथ लगा था उसका नाम था कैलाश पाल। कैलाश पाल की अगर बात की जाए तो कैलाश पाल के खिलाफ जो ठाकुर हैं, जो राणे हैं उस स्पेसिफिक एरिया के, वो रिवोल्ट कर देते हैं, जिसके कारण कैलाश पाल को अपना एरिया छोड़ के भागना पड़ता है। और जब कैलाश पाल पूरा एरिया को छोड़ के भाग जाता है तो यहाँ पे फिर से जो ठाकुर हैं, राणे हैं, उनके छोटे छोटे किंगडम्स की एस्टेब्लिशमेंट होती है, अगर मैं कुल्लू स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ। अब कैलाश पाल के बाद जब हमें कोई राजा देखने को मिलेगा कुल्लू का, उसके साथ सिंह सुफिक्स लगा होगा। जैसे कि नेक्स्ट आ गया आपका किंग कुल्लू में, सिंह डायनेस्टी में सबसे पहले आपका आ गया सिद्ध सिंह। सिद्ध सिंह की अगर बात करें तो 1500 टू 1532 एडी के बीच में जो है वो सिद्ध सेन ने रूल किया। सिद्ध सिंह जो है, सॉरी सेन बोल दिया मैंने, सिद्ध सिंह जो है वो पहला राजा है जिसने अपने नाम के साथ सिंह सरनेम लगाया था। क्लियर। और ऐसा मानते हैं कि जो बिहंग मणिपाल है उससे के उसके जो पूरी लीनिएज है उसमें 74th नंबर का राजा जो है वो आपका है सिद्ध सिंह।
और ऐसा भी माना जाता है कि जो सिद्ध सिंह राजा बना वो देवी हडिम्बा के आशीर्वाद से बना। यही कारण है देवी हडिम्बा को ग्रैंड मदर के नाम से जानते हैं जो सिंह डायनेस्टी के रूलर्स हैं, और साथ में उनकी जो मेन डीआईटी है, मेन गॉडेस है, वो आपकी हडिम्बा देवी ही है। क्लियर। अब सिद्ध सिंह के साथ एक छोटी सी कहानी भी एसोसिएटेड है। सिद्ध सिंह जो है वो जियाना राणा का जो एरिया है उसके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहता है, लेकिन जियाना राणा को हराना जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो वो जियाना राणा को हराने के लिए उसके साथ एक वर्कर काम करता था जिसका नाम था मुछियाणी। तो मुछियाणी को वो ब्राइब देता है कि जियाना राणा को रात को सोते हुए धोखे से जो है वो जियाना राणा को मार दे। मुछियाणी जो है वो राणा को मार देता है। जब राणा मर जाता है तो राणा की जो वाइफ है वो अपने आप को सती कर लेती है। अब वो अपने आप को सती कर ली। थोड़े टाइम के बाद सिद्ध सिंह को अपनी गलती का रियलाइज होता है कि उसने गलत गलत किया जिहाना राणा को मार के। फिर वो क्या करता है, जो जिहाना राणा की संतान होती है उसको जागीर दे देता है अपने ही एक स्पेसिफिक एरिया से, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो राणा के बेटे को दे देता है। और जो राणा का बेटा है या उसके जो आगे वंशज रहेंगे वो नुवानी फैमिली बनाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, नो डाउट सिद्ध सिंह के द्वारा जो है, सिद्ध सिंह के द्वारा जो है वो राणे के बेटे को जागीर दी गई, जमीन दी गई, लेकिन उसके बावजूद जो नुवाणी फैमिली है उसको उसकी कभी भी कुल्लू फैमिली के साथ नहीं बनी, कुल्लू रूलर्स के साथ नहीं बनी। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब भी कुल्लू के किसी राजे का देहांत होता है तो जो नुवाणी फैमिली है वो सेलिब्रेट करती है। क्लियर। क्योंकि इनकी बहुत पुरानी एनिमोसिटी थी, शायद जो एनिमोसिटी थी वो जायज भी है क्योंकि जिस तरह से धोखे से सिद्ध सिंह के द्वारा जियाना राणा को मरवाया गया था। उसके बाद जो अगला राजा बना उसका नाम था राणा बहादुर सिंह। राणा बहादुर सिंह की खासियत याद रखना, राणा बहादुर सिंह जो है इसके द्वारा हिडिम्बा टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया। ऐसा माना जाता है कि इसने हिडिम्बा टेम्पल तब कंस्ट्रक्ट किया जब उसने काफ़ी राणाज और ठाकुर को हरा के अपने कुल्लू के एम्पायर को एक्सपेंड कर लिया था। क्लियर। इसके साथ जो है वो अभी तक हम लोगों को पता है कि विशुद्ध पाल के द्वारा कैपिटल जो है जगतसुख से नग्गर शिफ्ट कर दी गई है। बहादुर सिंह जो है वो नग्गर को ही कैपिटल रखता है, लेकिन वो एक पुराना टाउन था कुल्लू का जिसका नाम था मखारा या मकारशा, वहाँ पे रहना शुरू कर देता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उस टाउन से पूरे कुल्लू को कंट्रोल करना कंपेरेटिवली आसान है। अगला राजा चलिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नाम है जगत सिंह, जो 1637 से लेके 72 AD तक जो है वो राजा रहा। अगर हम जगत सिंह की बात करते हैं तो जगत सिंह जो है वो आपका शाहजहां और औरंगजेब का कंटेम्प्रेरी है। इसके स्पेसिफिकली टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो जब जगत सिंह राजा था ये वो वाला टाइम पीरियड था जहाँ पे शाहजहां के दो बेटे आपस में साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे। वो दो बेटे थे दारो शेख और औरंगजेब। तो यही कारण था शायद कि कुल्लू जो है वो मुगलों के इंटरेस्ट से बचा रहा हमेशा, क्योंकि दोनों आपस में लड़ते रहे। बाद में औरंगजेब के द्वारा दारो शेख को मार दिया गया, और औरंगजेब के जो एम्बिशंस थे वो हिली एरियाज को कंट्रोल करना नहीं थे, औरंगजेब मेनली जो डेक्कन एरियाज थी, डेक्कन सल्तनत थी, उनको कंट्रोल करना चाहता था। तो जगत सिंह के टाइम पे मुगलों की इंट्रूजन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। हाँ ये ज़रूर है, जब जगत सिंह राजा था तो दारो शेख या औरंगजेब के लेटर्स जो थे उसके साथ एक्सचेंज हुआ करते थे। अब यहाँ पे कहानी क्या है कि जगत सिंह जो है वो 1657 में एक छोटा सा जागीर थी जिसका नाम था लाग, छोटी सी टेरिटरी थी जिसका नाम था लाग, लाग को कैप्चर कर लेता है। अब लाग की कहानी क्या थी कि लाग जो था वो मुगल प्रोटेक्शन के अंदर था, वो मुगलों को कुछ ट्रिब्यूट पे किया करते थे, लेकिन जगत सिंह ने इस चीज़ को सोचे समझे बिना कि जो मुगल्स हैं वो यहाँ पे रूल कर रहे हैं, मुगल्स की प्रोटेक्शन के अंदर है, वो लाग के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेता है। बाद में जो दारा शेख है, दारा शेख के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जगत सिंह को कि लाग जो है उसको आज़ाद किया जाए, लेकिन जगत सिंह उसकी बात नहीं मानता है। शायद इसका कारण ये भी था कि जगत सिंह को पता था कि जो दारो शेख है और जो औरंगजेब है वो दोनों आपस में क्राउन के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, और दारो शेख जो है वो कभी भी औरंगजेब को छोड़ के हिमालयन वाले एरिया में इसको हराने नहीं आएगा। तो इसकी जो ये कैलकुलेशंस थी वो बहुत अच्छी हुई। फॉर्चुनेटली दारो शेख बाद में मर गया और औरंगजेब राजा बन गया। अगर दारो शेख राजा बन जाता तो शायद इसको लेने के देने पड़ सकते थे। क्लियर। इसके बाद जो है वो जगत सिंह ने अपनी कैपिटल जो है वो नग्गर से सुल्तानपुर शिफ्ट कर ली। सुल्तानपुर जो है वो लाग का ही एक एरिया था, और ये कैपिटल शिफ्ट की गई 1660 AD में। इसके साथ ही जगत सिंह जो है इसके द्वारा रघुनाथ जी का टेम्पल बनाया गया, और वहाँ पे जो है वो लॉर्ड रामा की इमेज को इंस्टॉल किया गया। रघुनाथ जी के पीछे की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। अगर रघुनाथ जी की बात करें तो इसके पीछे की कहानी क्या है कि जगत सिंह को किसी के द्वारा बताया जाता है कि एक ब्राह्मण है जिसका नाम है दुर्गादत्त,
जो टिपरी विलेज में रहता है, उसके पास बहुत ही सुंदर मोती हैं। जो जगत सिंह है, क्योंकि वो राजा है, तो वो उस ब्राह्मण के पास जाता है और उसको कहता है कि उन मोतियों को राजा को दे दिया जाए, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर राजा का अधिकार होता है। वो ब्राह्मण किसी भी तरह के मोती की पोजेशन से मना कर देता है कि उसके पास किसी भी तरह के मोती नहीं है। राजा जब बार बार उससे पूछता है, तो ब्राह्मण परेशान होके अपने आप को भी आग लगा लेता है, अपने परिवार को भी आग लगा लेता है और अपने घर को भी जला देता है। उसके बाद जो है वो ब्राह्मण जो जगत सिंह है उसके ऊपर कर्स जो है वो डाल देता है, मतलब उसको श्राप दे देता है। उस श्राप के अकॉर्डिंगली जगत सिंह को कुष्ठ रोग हो जाता है, लेप्रोसी हो जाती है। क्लियर है? या कई जगह ऐसा कहते हैं कि जगत सिंह जब भी कुछ खाने लगता था तो उसको कीड़े ही दिखते थे, फूड उसको कीड़ों के रूप में दिखना शुरू हो गया, क्योंकि ब्राह्मण हत्या जो है वो बहुत पाप माना जाता था हमारे पुराने कल्चर में। क्लियर? अब देखो जगत सिंह जो है, अब उसको कोई सजेशन देता है। जगत सिंह को जो है वो सजेशन दी जाती है किशन दास के द्वारा। किशन दास ये कहता है कि अगर तुम कुल्लू में रघुनाथ जी, मतलब जो लॉर्ड रामा है, उनके आइडल, उनकी मूर्ति को जो है वो स्थापित कर देते हो, तो शायद ये इस श्राप से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो अब जगत सिंह जो है वो एक ब्राह्मण दामोदर दास की ड्यूटी लगाता है कि जो त्रेतनाथ टेम्पल है अयोध्या के अंदर, उसके अंदर जो मूर्ति रखी हुई है रघुनाथ जी की, उस मूर्ति को चुपके से लेके आया जाए। और यहाँ पे जो है उसको कुल्लू में जैसे ही वो मूर्ति आएगी, उसके बाद शायद जो श्राप है जगत सिंह का, उसको हटा दिया जाएगा। दामोदर दास जुलाई 1651 को उस मूर्ति को लेके यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे ही वो मूर्ति यहाँ पे आती है, जो जगत सिंह है वो उस मूर्ति, उस आइडल को जो है वो उस किंगडम का प्रोटेक्टर घोषित कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि आज से पूरे का पूरा साम्राज्य जो है वो जगत सिंह का नहीं है, ये पूरे का पूरा साम्राज्य रघुनाथ जी का है। और उसके पाँव को धो के जो है वो उसका पानी पीते हैं, और ऐसा मानते हैं कि जो उनकी परेशानियाँ थी, जो उनकी जो उनको बीमारी लगी हुई थी, वो बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ये रघुनाथ जी का आइडल वही है, जब कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है तो जो पूरी छावनी निकाली जाती है वो इसी आइडल को लेके निकाली जाती है। तो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। और जहाँ पे इस जो आइडल है इसको रखा गया, वो रखा गया मकारा में। और यही कारण है कि मकारा जो है इसको दूसरा अयोध्या भी कहा जाता है, क्योंकि अयोध्या में जो आइडल मिलता था, अब वो कहाँ मिलता है, तुम्हारा मकारा में। क्लियर? और जगत सिंह जो है अब एक नौकर की तरह काम करता है, क्योंकि जो रूलर हो चुके हैं वो हो चुके हैं तुम्हारे जो रघुनाथ जी हैं। और आज भी जो प्रिंसिपल डीआईटी है, जो सबसे मेन गॉड है, वो है आपके रघुनाथ जी, कुल्लू के राजाओं के या कुल्लू वैली के। नॉर्मली ऐसा भी होता है कि जो पहाड़ी राजा हैं ये शिवा के फॉलोअर हुआ करते थे, लेकिन अब जगत सिंह जो है उसकी जो बीमारी ठीक हुई है वो लॉर्ड रामा के कारण हुई है। तो अब क्या हुआ कि जो जगत सिंह है उसने अपने आप को शिफ्ट कर लिया फ्रॉम शेवाइट टू वैष्णवाइट। शेवाइट वो हैं जो शिवा के फॉलोअर हैं, वैष्णवाइट वो हैं जो विष्णु या विष्णु के अवतारों के फॉलोअर हैं। तो ये जगत सिंह से रिलेटेड कहानी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट कहानी है। इसके बाद शायद कुल्लू का सबसे बड़ा राजा, जिसका नाम है मानसिंह, कुल्लू का सबसे बड़ा राजा जिसका नाम है मानसिंह। ऐसा माना जाता है कि जितनी टेरिटरी मानसिंह के पास थी, उतनी टेरिटरी ना इससे पहले किसी कुल्लू के राजा के पास थी, ना इसके बाद कभी किसी कुल्लू के राजा के पास होगी। मानसिंह ने लाहौल स्पीति, शिमला, स्पीति, मंडी, छोटा एंड बड़ा बंगाल, कोटगढ़, कुमारसेन, बड़सन, हर एक एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया हुआ था। मानसिंह जब राजा था तो उस स्पेसिफिक टाइम पे पूरे के पूरे कुल्लू की जो टेरिटरी थी वो 10,000 स्क्वायर माइल के आसपास थी, जो बहुत ही बड़ा साइज होता है। क्लियर? और बाकी सिद्ध सेन को कैसे हराया था मंडी के, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। लेकिन मानसिंह इतना बड़ा राजा था, इसकी डेथ होती है क्योंकि जो राणा ऑफ कुमार सेन है उसकी घरवाली के ऊपर इसको इसका दिल आ जाता है। और जब वो उसको चुपके से मिलने जा रहा होता है अकेला, तो वहाँ पे बुशहर के द्वारा या बुशहरीज के द्वारा जो है वो उसको मार दिया जाता है। तो इस तरह से मानसिंह जो है वो उसका जो एम्पायर है या उसका जो रूल है वो ख़त्म होता है तुम्हारे कुल्लू के ऊपर। सबसे शायद पावरफुल और सबसे बड़ा राजा था। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपका राजा आ जाएगा, दैट इज़ योर प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह की अगर हम बात करें तो प्रीतम सिंह मंडी के ऊपर अटैक करता है, और जो एरियाज तुम्हारे मानसिंह के टाइम पे एक्वायर नहीं हुए थे उनको प्रीतम सिंह एक्वायर कर लेता है। जैसे देवगढ़ है, मस्तपुर है, सारी है, अमानगढ़ है, ये सारे के सारे एरिया जो है वो तुम्हारे मंडी के पास आ जाते हैं। क्लियर? अब आ गया लास्ट इंपॉर्टेंट राजा तुम्हारा कुल्लू का, जिसका नाम था अजीत सिंह। अब देखिए यार, अजीत सिंह की अगर बात की जाए तो उस स्पेसिफिक टाइम पे, या अजीत सिंह उस टाइम के राजा हैं जब प्लेन एरियाज में महाराजा रणजीत सिंह का रूल हुआ करता था।
महाराजा रणजीत सिंह ने अपना रूल काबुल तक एस्टेब्लिश किया था। उन्होंने जो काबुल का अमीर था जिसका नाम था शाह सूजा, उसको हरा दिया था। जब उसको हरा दिया था तो शाह सूजा वहाँ से बैटल से छोड़ के भाग गया था। तो महाराजा रणजीत सिंह जो हैं वो शाह सूजा को ढूंढ रहे थे कि कैसे उसको पकड़ के मार दें। लेकिन शाह सूजा जो है वो अपनी जान बचाता बचाता कुल्लू से गुजरा, और जब वो कुल्लू से गुजरा तो अजीत सिंह ने उसको नहीं पकड़ा। तो महाराजा रणजीत सिंह को जब ये बात चला पता चली तो जब महाराजा रणजीत सिंह को ये बात पता चली तो उन्होंने कुल्लू को पिनलाइज किया विद 80,000 रुपीज़ कि भाई तुमने हमें क्यों नहीं बताया शाह सूजा के बारे में। इवन कि जब शाह सूजा की बाद में हमें राइटिंग्स देखने को मिली है, उस टाइम के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो लिखा तो उन्होंने कहा था कि जब शाह सूजा कुल्लू से गुजर रहा था तो कुल्लू के लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा रूड थे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ बात नहीं की। क्लियर। अब देखो यार, मूर क्राफ्ट की अगर बात की जाए तो मूर क्राफ्ट जो है वो भी कुल्लू में विजिट किए हैं जब अजीत सिंह राजा थे 1820 AD में। क्लियर, यहां तक कहानी समझ सबको समझ आई। तो अगर अजीत सिंह जो है वो महाराजा रणजीत सिंह को पेनल्टी पे कर रहा है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल जो सिक्स का है वो हमें कुल्लू के ऊपर देखने को मिलेगा। अब कहानी क्या है, जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है, उसके बाद के जो राजा आते हैं उनको मंडी, कुल्लू, काफ़ी ऐसी रियासतें थी जो ट्रिब्यूट पे करना बंद कर देती है। अब सिख जो हैं वो मंडी के ऊपर अटैक करते हैं क्योंकि मंडी ने ट्रिब्यूट पे करना बंद कर दिया था। तो मंडी के ऊपर जो है वो जनरल वेंचूरा जो है उसके द्वारा अटैक किया जाता है। वो मंडी को बहुत बुरी तरह से लूटता है, मंडी को बर्बाद कर देता है। इस सब को देख के जो कुल्लू का राजा था अजीत सिंह, वो जनरल वेंतुरा के सामने जो है वो सबमिशन कर देता है, अपनी हार स्वीकार कर लेता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी हार स्वीकार कर लेगा तो सिख उसको छोड़ देंगे और उसके बदले वो सिखों को फिर से ट्रिब्यूट पे करना शुरू कर देगा। लेकिन सिख ऐसा नहीं करते हैं, वो उसको ह्यूमिलिएट करते हैं और उसको जेल के अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे एक और पात्र है जिसका नाम है वजीर ऑफ सिराज, जिसका नाम था कपूरू। तो जो वजीर ऑफ सिराज था उसकी बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे कुल्लू के राजा के साथ, तो उसने भी सिखों को बुलाया था और सिखों को पूरी डायरेक्शन देता था, पूरी स्ट्रैटेजीज बताता था, इन पहाड़ी रास्तों के बारे में बताता था। लेकिन जब बाद में वो अजीत सिंह के साथ होता हुआ बुरा व्यवहार देखता है तो वो ये शपथ लेता है कि अजीत सिंह को वो जो है वो जेल से छुड़वाएगा, और बाद में वो अजीत सिंह को भी जेल से वही छुड़वाता है। क्लियर। बाद में अजीत सिंह जो है वो 1840 के आसपास जो है वो जो उनको डिस्पोज कर दिया जाता है, गद्दी से हटा दिया जाता है, और एंड में जो है वो पूरे का पूरा कुल्लू जो है वो आफ्टर एंग्लो सिख वॉर कुल्लू जो है वो तुम्हारा ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। तो इस तरह से जो कुल्लू है, इम्पोर्टेंट रियासत है, उसकी हिस्ट्री हमें अजीत सिंह के साथ ही ख़त्म होती हुई दिखती है। अब ऐसा नहीं है जैसे स्पेसिफिक टाइम पे जो महेश्वर सिंह है राजा, तो उसके बाद भी रहे, वो फैमिली तो फिर भी कंटिन्यू हुई। जो महेश्वर सिंह है वो इसी स्पेसिफिक जो फैमिली लीनिएज है उसको कंटिन्यू करते हैं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम है सिरमौर। अब देखिए, अगर सिरमौर की हम बात करें तो सिरमौर को सिरमौर क्यों कहा जाता है? सिरमौर का मतलब है शीर्य, शीर्य मौर, शीर्य मौर। तो ऐसा मानते हैं कि जब मौर्यन किंगडम यहाँ पे हुआ करता था तो सबसे ऊपर नदन साइड के ऊपर जो मौर्यन टेरिटरी थी उसका नाम था सिरमौर। तो शायद वहां से नाम जो है वो शीर्य मौर से नाम जो है वो सिरमौर पड़ा है। जो ओल्ड नेम, पुराना नेम है सिरमौर का, उसका नाम है शुरुगना। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है कि सिरमौर के फाउंडर कौन थे। कई जगह कुछ लिखा है, कई जगह कुछ लिखा हुआ है। अगर हम कंवर रणजौर सिंह की बुक की बात करते हैं, दैट इज़ योर तारीख ए रियासत सिरमौर, तो उसमें ये लिखा गया है कि जो सिरमौर है उसको राजा रसालू के द्वारा फाउंड किया गया था। क्लियर। लेकिन जब हम गजट ऑफ सिरमौर देखते हैं तब हम देखते हैं कि वहाँ पे एक राजा ऑफ जैसलमेर आए थे जिनका नाम था उग्रसेन। वो जब घूमते हुए सिरमौर तक पहुंचे तो इन्होंने देखा कि सिरमौर की जो गद्दी है वो खाली है। तो सिरमौर की खाली गद्दी को देख के वो अपने बेटे शोभा प्रकाश जो है उसको सिरमौर का राजा बना देते हैं। दोनों में से दोनों कहानी जो है वो जायज़ है, जस्टिफाइड है, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है हिस्ट्री की वो किसी न किसी सोर्स से आती है। तो हमारे पास सोर्सेज हैं जिसमें रसालू भी सही सोर्स से आया है और जो शोभा प्रकाश है या जो यस जो शोभा प्रकाश राजा है वो भी एक आपका अच्छे रिसोर्स से ही आया है। क्लियर। तो दोनों में से किसी को भी फाउंडर मान सकते हो। शोभा प्रकाश ज़्यादा जेन्यून लगता है क्योंकि बाद में जो राजा रहेंगे सिरमौर के, उनके साथ जो सरनेम होगा वो होगा प्रकाश। अब जब शोभा प्रकाश जो है वो राजा बनता है तो वो कैपिटल डिक्लेयर करता है कहाँ पे, राजबन में। ठीक है। तो सिरमौर की जो कैपिटल है वो बन गई तुम्हारी राजबन। एक चीज ध्यान रखो,
अब जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे सिरमौर है या सोलन है, उसमें बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो उसमें इन्फॉर्मेशन है वो वन लाइनर या टू लाइनर्स है। तो अब यहाँ पे कहानियाँ कम होंगी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा थ्रो की जाएगी। अब देखिए, जब सिरमौर का राजा बना शोभा प्रकाश, तो उसके द्वारा कैपिटल बनाई गई कहाँ पे, राजबन। और आप देखोगे जितनी कैपिटल सिरमौर स्टेट की चेंज हुई है, उतनी कैपिटल किसी और स्टेट की चेंज होती हुई हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। जैसे उसके बाद अगला राजा बनेगा उदित प्रकाश, तो देखो उदित प्रकाश जो है वो कैपिटल को राजबन से शिफ्ट कर देगा कलसी। कलसी कहाँ पे है तुम्हारी, स्पेसिफिक टाइम पे उत्तराखंड के अंदर तुम्हें देखने को मिलती है। उसके बाद अगला राजा बनेगा सुमेर प्रकाश, सुमेर प्रकाश जो है वो रातेश के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करेगा। ये जो रातेश थी, ये शिमला की सबसे छोटी प्रिंसली स्टेट थी, सबसे छोटी रियासत जो थी उसका नाम था रातेश। तो जब सुमेर प्रकाश रातेश के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है, तो रातेश को वो अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर देता है। और सुमेर प्रकाश जब राजा है, उस स्पेसिफिक टाइम पे दिल्ली सल्तनत का रूल होता है हिंदुस्तान के ऊपर, और दिल्ली सल्तनत में पहली और एकमात्र वुमेन रूलर बैठी होती है, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। आप सब लोगों को पता होगा स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश अपनी बेटी या इल्तुतमिश के बाद जो है वो रजिया सुल्तान जो है अगली एम्प्रेस बनती है या क्वीन बनती है हिंदुस्तान की, क्लियर। लेकिन जब रजिया सुल्ताना जो है वो किंग बनती है, तो काफ़ी ऐसे लोग थे, काफ़ी ऐसे ऑर्थोडॉक्स मेल थे जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हीं में से एक थे मोहम्मद जुनैदी, जिनको निज़ामुल मुल्क भी कहा जाता था। तो मोहम्मद जुनैदी ने क्या किया, रजिया सुल्ताना के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और जब उसने विद्रोह कर दिया, तो उसको दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा, और जहाँ पे उसको शरण मिली वो जगह थी सिरमौर, और जिसने उसको शरण दी उस राजा का नाम था सुमेर सिंह। इसके बाद सूरज प्रकाश राजा बनते हैं, सूरज प्रकाश अपनी कैपिटल जो है उसको रातेश से फिर कलसी शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद भगत प्रकाश राजा बनते हैं, जब भगत प्रकाश राजा बनते हैं तो दिल्ली के अंदर जो डायनेस्टी थी वो चेंज हो गई है। पहले स्लेव डायनेस्टी थी रजिया सुल्ताना वाली, अब जो डायनेस्टी है वो थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में राजा का नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सिरमौर के ऊपर अटैक करता है और सिरमौर को अपनी जागीर बना लेता है, अपने अधीन ले लेता है। नेक्स्ट अपना राजा है, दैट इज योर वीर प्रकाश। वीर प्रकाश जो है वो हटकोटी में कैपिटल शिफ्ट करता है, और वहाँ पे जो है वो भागवती टेम्पल बनाता है। इसके साथ साथ वीर प्रकाश जो है उसके द्वारा रवीनगर किला भी बनाया जाता है। नेक्स्ट राजा का नाम है नकट प्रकाश। नकट प्रकाश जो है वो अपनी कैपिटल को हटकोटी से शिफ्ट कर देता है, कहाँ पे, नेरी गाँव। अब देखो कितनी कैपिटल शिफ्ट हो रही है। उसके बाद जो है वो कैपिटल शिफ्ट होती है जोगड़ी, जोगड़ी कैपिटल शिफ्ट की जाती है बाय गर्भ प्रकाश। उसके बाद कैपिटल शिफ्ट होती है देवथड़, देवथड़ शिफ्ट की जाती है ब्रह्म प्रकाश। उसके बाद कैपिटल फिर शिफ्ट होती है कलसी, वो कैपिटल कैपिटल फिर से शिफ्ट की जाती है धर्म प्रकाश। उसके बाद कैपिटल शिफ्ट होती है नाहन, वो की जाती है कनु प्रकाश या कर्म प्रकाश, क्लियर। तो अब देखो नाहन जो है वो आपकी लास्ट सिरमौर की कैपिटल हमें देखने को मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैपिटल जो है वो आपकी सिरमौर की चेंज हुई है। अब देखिए सिरमौर के अगले इंपॉर्टेंट राजा का नाम है मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश की अगर बात की जाए, तो जब मेदिनी प्रकाश सिरमौर के राजा थे, उस स्पेसिफिक टाइम पे गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं उन्होंने सिरमौर की यात्रा की थी। मेदिनी प्रकाश जो है उसके द्वारा जगन्नाथ टेम्पल को 1681 में कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब देखो यार, सिरमौर का पौंटा साहिब वाला एरिया, ये वो एरिया है जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं वो लिखे गए हैं, जहाँ पे अलग अलग लोग आए थे और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को लिखा था, क्लियर है। उसके साथ ही पौंटा साहिब में एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा भी है। तो सारे का सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें मेदिनी प्रकाश के द्वारा, मेदिनी प्रकाश के टाइम पीरियड के ऊपर ही देखने को मिलता है। मेदिनी प्रकाश के बाद जो अगला राजा है उसका नाम है धर्म प्रकाश। धर्म प्रकाश की कहानी हम लोगों ने देखी थी कि कैसे जब जो कांगड़ा का राजा था महाराजा संसार चंद, वो कैसे बिलासपुर की टेरिटरी को एक्वायर करता है, और उससे परेशान होके बिलासपुर का राजा गुरखास को बुलाता है। उससे पहले उसने धर्म प्रकाश को बुलाया था जो कि सिरमौर का राजा था, और धर्म प्रकाश और जो संसार चंद थे वो दोनों आपस में रिश्ते थे। संसार चंद की बहन की शादी हुई थी धर्म प्रकाश के साथ, लेकिन दोनों की बैटल होती है, दोनों की बैटल में जो संसार चंद है उसके द्वारा धर्म प्रकाश को मार दिया जाता है। अगला राजा आ गया तुम्हारा कर्म प्रकाश। अगर कर्म प्रकाश की बात की जाए, तो कर्म प्रकाश वो राजा है जिसने गोरखाओं को यहाँ पे बुलाया, क्लियर है। कर्म प्रकाश के द्वारा जो है वो गोरखाओं को यहाँ पे बुलाया गया था। गोरखास को इसलिए बुलाया था उसने, क्योंकि जब कर्म प्रकाश राजा बनता है, तो सिरमौर में कर्म प्रकाश और उसके जो चाचे और भाई हैं उनके बीच में वॉर छिड़ जाती है। तो कर्म प्रकाश उस डोमेस्टिक वॉर को, उस सिविल वॉर को रोकने के लिए गुरखास, जो कि आपके उत्तराखंड में कुमायूं वाले एरिया तक बैठे हुए थे, उनको अप्रोच करता है
कि भाई उसकी हेल्प कर दो, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे गोरखा उसकी हेल्प करेंगे वो वापिस चले जाएंगे। लेकिन गोरखा जब उसकी हेल्प करने के लिए सिरमौर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि सिरमौर बहुत ही सुंदर जगह है, और उसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि अगर वो सिरमौर के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो धीरे धीरे बाकी जो हिली एरियाज़ हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल करना उनके लिए कंपेरेटिवली आसान रहेगा। तो करम प्रकाश के टाइम पे गोरखा जो उसकी हेल्प करने के लिए आए थे वो करम प्रकाश को साइडलाइन करके सिरमौर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ रंजौर सिंह, और रंजौर सिंह जो है वो जटक दुर्ग जो है वो सिरमौर में बनाता है। इसके बाद अगला राजा है तुम्हारा फतेह प्रकाश। जब फतेह प्रकाश राजा होता है तो ये वो वाला टाइम है जब गुरखाओं और ब्रिटिश के बीच में बैटल होती है, गुरखाओं को हार का सामना करना पड़ता है, और ब्रिटिश ने जो किया, ब्रिटिश जो पुराने राजा थे उनको उनका जो राज्य था वो वापस दे रहा था, तो उसी तर्ज के ऊपर जो फतेह प्रकाश था उसको ब्रिटिश के द्वारा साम्राज्य वापस दे दिया जाता है। फतेह प्रकाश के द्वारा जो है वो शीश महल बनाया गया और मोती महल बनाया गया, कहाँ पे, नाहन में। इसके बाद अगला राजा है तुम्हारा शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश की अगर बात की गई तो शमशेर जो प्रकाश है इन्होंने 1857 रिवोल्ट में ब्रिटिश का साथ दिया था। इनके द्वारा रानीबाग बनाया गया, रानीताल बाग बनाया गया, नाहन म्यूनिसिपल कमेटी बनाई गई, और जब ये राजा थे तो उसी स्पेसिफिक टाइम पे लॉर्ड रिपन और लॉर्ड डफरिल जो कि गवर्नर जनरल या वाइसराय थे हिंदुस्तान के, उन्होंने नाहन की यात्रा की थी। नेक्स्ट आपके राजा आ जाएंगे, दैट इज योर अमर प्रकाश। अमर प्रकाश जो है इसको जो ब्रिटिश हैं उनके द्वारा जो है वो महाराजा का टाइटल दिया गया, और उसके साथ साथ जो है वो KCSI भी दिया गया, दैट इज योर नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। मेनली ये उनको मिलिट्री सर्विसेज के लिए दिया जाता था। इसके साथ जो अमर प्रकाश है इसने महिम पुष्कालय भी बनाया है। जो ये महिम पुस्तकालय बनाया गया ये आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है जो नाहन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है राजेंद्र प्रकाश। राजेंद्र प्रकाश वो है जहाँ पे आपको पजहूता आंदोलन देखने को मिलता है, जो आपका वैद्य सूरदेव के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। पजहूता आंदोलन बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो एक तरह से हैपनिंग है हमारे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की। इसके बाद जो है वो राजगढ़ को पीच वैली के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट बैंक ऑफ सिरमौर जो है वो है नाहन बैंक ऑफ इंडिया, जिसको 1944 में जो है वो बैंक ऑफ सिरमौर के नाम में परिवर्तित कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। तो ये सारी की सारी कहानी जो है वो आपकी है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सोलन के ऊपर। सोलन के अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सोलन की अगर बात की जाए तो सोलन में जो सबसे पहले और शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी कोई स्टेट है, प्रिंसली स्टेट है, उसका नाम है बाघाट। अगर बाघाट की बात की जाए तो नाम से पता चल रहा है बाघाट, बा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, घाट का मतलब होता है पासिस, एक ऐसा एरिया जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पासिस देखने को मिलते हैं, तो उसको कहा जाता है बाघाट। बाघाट जो है इसकी फाउंडेशन की गई थी बसंत पाल के द्वारा, कई जगह उनको हरिचंद पाल के बारे में या हरिचंद के रूप में भी मेंशन किया गया है। ये लोग तुम्हारे पंवार राजपूत थे जो कि डेक्कन वाले एरिया से आए थे, जो तुम्हारे सेंट्रल इंडिया वाले पोर्शन से आए हुए थे। सबसे पहले जो बाघाट था उसका पहले नाम बाघाट नहीं हुआ करता था, जब इसकी फॉर्मेशन हुई तो इसका नाम था बसंतपुर, बाद में इसका नाम जो है वो बाघाट चेंज कर दिया गया, और बाघाट जो नाम चेंज किया वो किया इंद्रपाल के द्वारा, क्लियर। इसके बाद जो अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट राजा है दैट इज योर राणा महेंद्र सिंह। राणा महेंद्र सिंह इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये वो वाला टाइम पीरियड है जब गोरखा जो हैं वो हिमाचल में पहुंच चुके हैं, उन्होंने शिमला हिल स्टेट्स या शिमला के आसपास वाले एरिया, पहाड़ी एरिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब लॉजिकली सोलन के भी मैक्सिमम जितनी जगहें हैं वो सारे के सारे जो हैं वो गोरखाओं के कंट्रोल में रहे, लेकिन बाघाट का जो राजा था महेंद्र सिंह, ये महान चंद जो कि बिलासपुर का राजा था उसका बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, और महानचंद वो है जिसने बुलाया था गोरखाओं को संसारचंद के खिलाफ। तो क्योंकि महानचंद के साथ इसके रिलेशन अच्छे थे, यही कारण था कि गोरखाओं ने जो है वो बाघाट के ऊपर कभी भी अटैक नहीं किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि जब ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच में अटैक हुई तो बाघाट का जो राजा महेंद्र सिंह था इसने गोरखाओं की सपोर्ट कर दी, इसको करनी थी क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर अटैक नहीं किया था। बाद में जब गोरखा हारे तो ब्रिटिश ने जो कॉम्पनसेशन जो खर्चा था वो सारे का सारा महेंद्र सिंह के मत्थे मर दिया। महेंद्र सिंह के पास पैसे नहीं थे तो उसने ब्रिटिश ने क्या किया, जो महेंद्र सिंह के 8 परगना थे उनको बेच दिया राजा ऑफ पटियाला को 1,30,000 रुपये में, ताकि वो पैसा जो है वो जनरेट कर सके जो कि उनको लड़ाई में खर्च हुआ है, क्लियर। तो महेंद्र सिंह से रिलेटेड ये कहानी थी। उसके अलावा उसके बाद जो नेक्स्ट राजा है दैट इज योर विजय सिंह। विजय सिंह की वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन कहानी को समझने के लिए रेलेवेंट है।
एक्चुअली कहानी क्या है कि जब विजय सिंह की डेथ होती है तो स्पेसिफिक टाइम पे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या था कि अगर किसी राजा की संतान नहीं है, मेल संतान नहीं है, तो उसका एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मर्ज हो जाता है। तो जब विजय सिंह संतानलेस चाइल्डलेस जो है उसकी उसके देहांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो बाघाट है वो अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मर्ज हो जाता है। यहाँ पे जो विजय सिंह का कज़न है जिसका नाम है उमेद सिंह, जिसको ये उम्मीद थी कि वो जो बाघाट है वो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होता था, एक भाई को नहीं मिला दूसरे को मिलेगा, बड़े को नहीं मिला छोटे को मिल जाएगा, तो उमेद सिंह को हमेशा लगता था कि उसको जो है वो पूरे का पूरा साम्राज्य मिलना चाहिए। वो क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लंदन में केस दायर कर देता है कि उसका एम्पायर जो है वो गलती से छीना गया। अब जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जब पूरे का पूरा पावर आ जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हो जाती है, तो वहाँ पे उनका एक बड़ा स्टैंड था कि वो राजाओं के साथ रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहते थे। यही कारण था लॉर्ड कैनिंग जो है वो उमेद सिंह को बाघाट का राजा फिर से रीइंस्टेट कर देता है। तो इस तरह से उमेद सिंह की जो उम्मीद थी वो फिर से अचीव हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रिंसली स्टेट है, दैट इज योर बाघाल। अगर बाघाल की बात की जाए तो बाघाल की जो फॉर्मेशन है, फाउंडेशन है, वो की गई अजय देव के द्वारा, जो पंवार राजपूती था लेकिन वो उज्जैन वाले एरिया से आया हुआ था। बाघाल की कैपिटल जो वो सबसे पहले डमरस थी, उसके बाद दारला थी, उसके बाद दुंधन थी, और उसके बाद थी अर्की। ये सब याद रखेंगे अर्की के बारे में, क्योंकि अर्की बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। अर्की जो कैपिटल या अर्की जो एस्टेब्लिश की गई कैपिटल ऑफ बाघाल, वो की गई राणा सभाचंद के द्वारा, तो सब लोग इसको याद रखेंगे। इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट राजा हैं जिनका नाम है राणा मेहरचंद। एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी हम पहाड़ी पेंटिंग की बात करते हैं तो अलग अलग जगहों की पेंटिंग बहुत सुंदर है, जैसे गुलेर की पेंटिंग बहुत प्यारी है या बहुत फेमस है, कांगड़ा पेंटिंग बहुत फेमस है, चंबा पेंटिंग बहुत फेमस है, तो वैसे ही जो बाघाल की पेंटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और बाघाल की पेंटिंग का जो श्रेय जाता है, जो बाघाल में पेंटिंग की डेवलपमेंट हुई है, उसका श्रेय जाता है राणा मेहरचंद को। तो हर एक बंदा इंसान जो है वो याद नाम रखेगा इनका, राणा मेहरचंद बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती है तुम्हारी बाघाल की। इसके बाद जो नेक्स्ट राजा बनेंगे उनका नाम था राजा जगत सिंह। अब ये स्टोरी आप लोगों ने याद रखनी है। देखिए, जब बाघाल जो था या जो बाघाल वाला एरिया था वहाँ पे गुरखास जब अटैक करते हैं तो उस स्पेसिफिक टाइम पे बाघाल की कैपिटल थी अर्की। तो गुरखास जो हैं वो अर्की को अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। तो जब गुरखा सिखों के साथ लड़ रहे हैं या गुरखा जो है वो महाराजा संसार चंद के साथ लड़ रहे हैं, तो उनका जो मेन हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर हुआ करता था अर्की। तो ये ध्यान रखना, अर्की जो है वो तुम्हारा बाघाल की कैपिटल थी। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, क्लियर। लेकिन जब गुरखाओं की डेथ हो जाएगी तो जगत सिंह को ब्रिटिश के द्वारा जो उसका किंगडम है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। इसके बदले वो 1815 में साइन कर देगा किसके ऊपर, सनद के ऊपर, क्लियर। नेक्स्ट आपका राजा है, दैट इज योर राणा शिव शरण सिंह। शिव शरण सिंह की अगर हम बात करें तो इसने राणा अनिरुद्ध चंद ऑफ कांगड़ा को शेल्टर दी थी और इसने दीवान खाना अर्की में बनाया। अब देखो यार, सवाल यहाँ पे है कि अनिरुद्ध जो चंद है ऑफ कांगड़ा, उसको शेल्टर देने की आवश्यकता क्या है। ध्यान रखिए, हम लोगों ने कहानी देखी थी जब कांगड़ा के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे अनिरुद्ध चंद जब महाराजा रणजीत सिंह के साथ मिलने जाता है तो जो जम्मू का राजा था ध्यान सिंह, वो जो है वो अनिरुद्ध चंद से उसकी जो बेटी है उसका हाथ मांगता है। अनिरुद्ध चंद जो है वो हाथ देने से मना कर देता है और वो जो गढ़वाल है उसके राजा के साथ अपनी बहन की शादी करवा देता है, सॉरी अपनी बेटी की शादी करवा देता है। तो वहाँ पे जब महाराजा रणजीत सिंह जो हैं वो नदौन आ रहे होते हैं, कांगड़ा आ रहे होते हैं, तो अनिरुद्ध चंद को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उसके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। तो यही कारण है अनिरुद्ध चंद उस एरिया को छोड़ के पहले ही चला जाता है और जो राणा शिव शरण सिंह है उसके पास जो कि बाघाल का राजा है वो अनिरुद्ध चंद को शरण देता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है राणा किशन सिंह। राणा किशन सिंह की अगर हम बात करें तो राणा किशन सिंह जो है उसने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। इससे खुश होकर ब्रिटिश ने उसको खिल्लत दी थी और साथ में राजा दिया था। अब देखो, इससे पहले जो बघाल उन सबके साथ राणा लग रहा है, लेकिन किशन सिंह के बाद जो है इनके साथ लगेगा राजा। नेक्स्ट आपकी है कुनिहार। कुनिहार की अगर हम बात करें तो कुनिहार जो है वो अभोज देव के द्वारा फॉर्म की गई है, जो कि अखनूर जम्मू से आए थे 1154 AD में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तुम्हारा हटकोट में। लास्ट आ जाइए, लास्ट है नालागढ़। नालागढ़ की कहानी जो है हम लोगों ने थोड़ी सी डिस्कस की थी, हिंदुर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जब बिलासपुर के बारे में देख रहे थे।
तो बिलासपुर में हमने देखा था कि कैसे बिलासपुर के दो बेटे थे, बिलासपुर के राजा के दो बेटे थे, उन दोनों बेटों में से एक बेटा रह गया बिलासपुर का राजा और दूसरे बेटे ने हिंदर वाले एरिया में अपनी अलग से स्टेट बना ली। उस बेटे का नाम था अजय चंद। तो अजय चंद और बिलासपुर जो है उनको फाउंडर कहा जाता है, किसका, नालागढ़ का। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट राजा है नालागढ़ का, उनका नाम है राजा आलमचंद। राजा आलमचंद की अगर बात की जाए, राजा आलमचंद की अगर बात की जाए तो जब राजा आलमचंद राजा थे नालागढ़ के, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जो तैमूर लंग था उसके द्वारा हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया गया था। तैमूर वगैरह बहुत ही खतरनाक वॉरियर माने गए थे और ऐसा माना जाता था कि जहाँ जहाँ ये जाते थे वहाँ पर ये लूटा भी करते थे और बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया करते थे उस स्पेसिफिक एम्पायर को। तो तैमूर ने तुगलक डायनेस्टी की धजियाँ उड़ा दी थी, जिसके कारण तुगलक डायनेस्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और उसके बाद जो है वो आप लोगों को सैयद डायनेस्टी जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है? तो आलमचंद जो है उसको पता था कि अगर तैमूर उसके एरिया में आएगा तो पहले तो नालागढ़ को तहस नहस कर देगा और हो सकता था नालागढ़ के थ्रू वो आगे वाले एरियाज को भी बर्बाद कर देता। तो आलमचंद जो है वहाँ पे पहले ही तैमूर लंग के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता है कि उसको कितना ट्रिब्यूट चाहिए। तो पहले ही आलमचंद जो है वो तैमूर लंग को इतना पैसा दे देता है कि वो हिमाचल पे के ऊपर अटैक ही नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आलमचंद के अटैक को डाइवर्ट करने का, या सॉरी तैमूर लंग के अटैक को डाइवर्ट करने का जो क्रेडिट है वो हम लोगों को देना चाहिए किसको, आलमचंद को। इसके बाद नेक्स्ट राजा है राजा नारायण चंद, जिसने नूरपुर की जो राजा है उसकी बेटी के साथ शादी करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट राजा है राजा रामचंद। राजा रामचंद की अगर बात करें तो राजा रामचंद के द्वारा जो है वो दो इंपॉर्टेंट किले बनाए गए, एक रामगढ़ का किला बनाया गया और दूसरा किला बनाया गया रामशहर का। आप सब लोगों ने रामशहर के बारे में देखा होगा, नालागढ़ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आप लोगों को रामशहर का फोर्ट देखने को मिलेगा। और रामशहर जो है वो रामचंद के द्वारा जो है वो अपनी समर कैपिटल डिक्लेयर कर दी गई। पहले तुम्हारी कौन सी थी, नालागढ़ ही थी। क्लियर? इसके बाद अगले राजा हैं, दैट इज योर संसार चंद। संसार चंद की अगर हम बात करें तो संसार चंद के द्वारा जो है वो नालागढ़ में बहुत ही सुंदर किला बनाया गया, जो आज भी आपको देखने को मिलता है। इसके साथ राजा संसार चंद के द्वारा जो है वो सरोवर कालाकुंड को भी साफ किया गया। अगला आपका राजा आएगा, दैट इज योर राजा धर्मचंद। धर्मचंद की अगर हम बात करें तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जो बिलासपुर था, बिलासपुर का राजा हुआ करता था कल्याणचंद। कल्याणचंद जो है वो अपनी पावर को शो करने के लिए जो हिंदर है या नालागढ़ है उसकी बाउंड्री के पास एक बहुत बड़ा किला बना देता है। इस किले को धर्मचंद जो है वो एक तरह से चैलेंज के रूप में देखता है और इस किले के बनने के बाद धर्मचंद और जो कल्याणचंद है उसके बीच में बैटल छिड़ जाती है। और जब इनकी बैटल का कंक्लूजन क्या होता है कि जो धर्मचंद है ही वॉज किल्ड ड्यूरिंग दिस वॉर, उसकी जो है मृत्यु हो जाती है इस लड़ाई के दौरान। नेक्स्ट आपका राजा है, दैट इज योर राजा रामशरण। राजा रामशरण की बात की जाए तो ये बदला लेता है, ही बर्न्ड बिलासपुर टाउन, ये पूरे के पूरे बिलासपुर टाउन जो है उसको आग लगा देता है। और जब संसार चंद के अगेंस्ट गुरखास का अटैक होता है तो ये संसार चंद को सपोर्ट करता है, क्योंकि संसार चंद ने जो बिलासपुर है उसकी धजियाँ उड़ाई थी, तो बिलासपुर के साथ संसार चंद की नहीं बनती थी, ऑटोमेटिकली जो नालागढ़ था उसके साथ संसार चंद के अच्छे रिलेशन थे। यही कारण था कि जब गुरखाओं का वॉर होता है, गुरखाओं के साथ लड़ाई होती है, तो संसार चंद जो है वो या संसार चंद को सपोर्ट किया जाता है बाय राजा रामशरण। लेकिन अब गुरखाओं का कहानी क्या है कि अर्की के पास तो आपका नालागढ़ है, महाराजा संसार चंद तो वैसे भी दूर बैठा हुआ है, तो सबसे पहले गोरखा जो है वो नालागढ़ को कब कैप्चर करते हैं, तो रामशरण के टाइम पे ही रामशरण को हराया जाता है गोरखास के द्वारा और उसकी कैपिटल को कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ साथ जो राजा ऑफ कहलूर है और गुरखा है वो रामशहर के किले को भी अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। क्लियर? अब कहानी क्या है कि जब एंग्लो गुरखा वॉर होगा तो रामशरण जो है वो ब्रिटिश को सपोर्ट करेगा, जिसके बाद गुरखाओं के हारने के बाद इसका जो पूरे का पूरा नालागढ़ है वो फिर से रीइंस्टेट हो जाएगा, राजा रामशरण को फिर से वो साम्राज्य जो है वो वापस मिल जाएगा। लास्ट राजा आपके नालागढ़ के जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर राजा जोगिंदर सिंह। राजा जोगिंदर सिंह जो हैं ही हेल्प्ड ब्रिटिश ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर? जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था वहाँ पे ब्रिटिश के इसने काफ़ी ज़्यादा समर्थन दिया था। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट राजा। अब देखिए इससे रिलेटेड जो पीडीएफ फाइल है विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो आप लोगों को, आपको वीडियो लिंक के साथ ही देखने को मिलेगी, आप उसको रीड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। बाकी हिमाचल प्रदेश का जो कल्चरल परस्पेक्टिव है उसके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।